जो दिखाई दे रहा है ये मस्जिद का एंट्रेंस गेट है। इसके ठीक बीच में है पानी का फवारा। दोस्तों इसको यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ है, यानी कि इसका जो एंट्रेंस गेट है इसके ऊपर जाया जाता है। मस्जिद बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। और दोस्तों यही खासियत है इस मस्जिद की कि अगर गीले कपड़े से मस्जिद के अंदर के पत्थरों पे अगर हम पोछे तो यहाँ पे कुरान की आयतें दिखती है। देख सकते हैं आप, ये कुरान की आयतें। तो यही खास बात है इस मस्जिद की। तो दोस्तों ये है रोहिनखेड़ गांव, एक ऐतिहासिक गांव है दोस्तों। और यहीं पर है एक ऐतिहासिक जामा मस्जिद रोहिनखेड़ की। दोस्तों ये है मस्जिद रोहिनखेड़ की जामा मस्जिद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की गूंज। दोस्तों आज के व्लॉग में हम देखने वाले हैं रोहिनखेड़ की जामा मस्जिद, जो कि एक 450 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है दोस्तों। तो यही वीडियो में आज हम कुछ देखने वाले। आप ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे, यही है जामा मस्जिद, जो कि पूरे पत्थर में बनी हुई है। दोस्तों रोहिनखेड़ की ये जो मस्जिद है ये बुलढाणा ज़िले में आती है, और इसका निर्माण 1582 में महादेवी खुदावंत खान ने करवाया था दोस्तों। ये जो रोहिनखेड़ गांव है ये नलगंगा और उतावली नदी के बीच में बसा हुआ है, और यहाँ पर ही एक खूबसूरत मस्जिद का निर्माण किया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक मज़ार है जो कि ओपन प्लेस में है मस्जिद के ठीक बाहर। अब ये किसकी मज़ार है ये तो पता नहीं, ऐसा तर्क लगाया जा सकता है कि ये खुदावंत खान की हो सकती है। और ये है ऐतिहासिक जामा मस्जिद। दोस्तों मस्जिद के पहले यहाँ पे और एक छत हुआ करती थी, जो कि अभी गिर गई है। अब देख सकते हैं ये बड़े बड़े पत्थर जो कि यहाँ पे लगे हुए थे ये, और इसके ऊपर ठीक यहाँ पे छत थी। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कुछ टूटा हुआ है, और यहाँ पे खुदावंत खान का यहाँ पे नाम लिखा गया है इस मस्जिद के बाहर। यहाँ पे जो मज़ार आप देख रहे हैं ये हो सकता है खुदावंत खान की हो। मस्जिद आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरी टोटली पत्थर में बनी हुई है, और यहाँ पे बहुत से पत्थर गिरे हुए हैं मस्जिद के, जो कि मैंने बताया सामने। दोस्तों मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में होने के कारण ये मस्जिद बंद रहती है, और सिर्फ जुमे के दिन ही ये खुलती है। यहाँ पे सिर्फ जुमे की नमाज़ होती है, और रोज़ जो 5 वक्त की नमाज़ होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जुमे की नमाज़ इस मस्जिद में अदा की जाती है। दोस्तों मस्जिद कभी भी देख सकते हैं, देखने के लिए ये पर्यटन के लिए खुली होती है सिर्फ, और यहाँ पे जुमे की नमाज़ ही होती है बस। आप ऐसा आए घूमने के लिए तो यहाँ पे आपको ये हर वक्त खुली ही मिलेंगी। सामने जो दिखाई दे रहा है ये मस्जिद का एंट्रेंस गेट है। टोटली पत्थर में बनी हुई है मस्जिद। इसके ठीक बीच में है पानी का फवारा। दोस्तों इसको यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ है, यानी कि इसका जो एंट्रेंस गेट है इसके ऊपर जाया जाता है।
और यहाँ से मस्जिद बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। और दोस्तों यह है इसका एंट्रेंस के ऊपर का हिस्सा। जो कि टोटली पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ से मस्जिद देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। ये है बीच में पानी का फवारा। और इस मस्जिद की जो कंपाउंड वॉल की जो दीवारें है, ये इतनी चौड़ी है कि यहाँ पे 2 से 3 इंसान एक साथ चल सकते हैं। देख सकते हैं आप। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी कंपाउंड वॉल की जो दीवारें है ये काफ़ी बड़ी है। 203 लोग यहाँ पे चल सकते हैं, इतनी चौड़ी ये दीवारें है। देख सकते हैं आप। और ये है इसके पीछे का भाग, पीछे से कुछ इस तरह है ये मस्जिद। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है ये है पानी का कुआं था उस समय का, लेकिन अब इसे मुछा दिया गया है और ठीक ऐसा ही एक कुआं इस ओर बना हुआ है। ये दो कुएं थे और इसके बीच में ये वजू खाना, यानी हमें इसे कहाँ से पाइपलाइन जोड़ी गई थी अंडर। दोस्तों मस्जिद के लेफ्ट ओर में एक हुजरा, इमाम साहब का हुजरा, यानी नमाज से कुछ वक्त पहले वो यहाँ पे आके तिलावत वगैरह करते थे। ये है हुजरा, एक छोटा सा खुली। यहाँ पे ओटा बना हुआ है और नीचे कुछ जगह है, इसे कहते हैं हुजरा इमाम साहब का। इस और एक खुली बनी हुई है रूम। और यहाँ से पहले एक तलघर यानी रास्ता था ज़मीन के नीचे से। इस ओर से नीचे रास्ता था। अब ये रास्ता कहाँ जाता है ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन अब इसे पैक कर दिया गया है। इसी ओर वो रास्ता था। और यहाँ पे भी कुछ पत्थर रखे हुए हैं जो कि मस्जिद के ऊपर से गिर सकते हैं। और ये मीनार के पत्थर हो सकते हैं, मीनार के टॉप के ऊपर जो रखे हुए होते हैं उसके पत्थर हो सकते हैं। और यह है वो मस्जिद।
और दोस्तों अंदर से तो बहुत खूबसूरत है ये मस्जिद, पूरी टोटली काले पत्थर में बनी हुई है। ये इसका मेहराब बहुत ही खूबसूरत शक्ल दी गई है। और ये जो चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर अगर गीले कपड़े से पोंछा जाए तो कुरान पाक की आयत दिखती है। देख सकते हैं कैमरे में थोड़ी धुंधली नजर आ रही है, लेकिन देख सकते हैं ऐसी साफ दिखाई दे रही है कुरान की आयत लिखी हुई है। तो यही इस मस्जिद की खासियत है, अगर आप गीले कपड़ा इसके पत्थरों पे पोंछे तो ऐसे ही देख सकते हैं कि कुरान पाक की आयतें दिखाई देती है। तो दोस्तों यही खासियत है इस मस्जिद की, अगर गीले कपड़े से मस्जिद के अंदर के पत्थरों पर हम पहुंचे तो यहाँ पे कुरान की आयतें दिखती है। देख सकते हैं आप ये कुरान की आयतें, तो यही खास बात है इस मस्जिद की। क्या कारीगरी रही होगी उस जमाने में कि देख सकते हैं आप कि अगर गीले कपड़े से ही पत्थर को पोंछा जाए तो कुरान की आयतें दिखाई देती है। एक 450 साल पहले बनी ये जामा मस्जिद जो आज भी बहुत शान से खड़ी है, और कई साल ये मस्जिद ऐसी तरह शान से खड़ी रह सकती है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों अभी हमने देखे रोहिणखेड़ की जामा मस्जिद, एक ऐतिहासिक मस्जिद। यहाँ पे मैंने आपको सभी पॉइंट दिखाए हैं। ऊपर जाके यहाँ पे जो कुआं था, पानी का जो वजू खाना था वो देखा, हजरा देखा, मस्जिद देखी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।